हेलो एवरीवन, अभी हम आपकी बुक की 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे. दैट इज इवैल्यूएट द फॉलोइंग 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60. तो मुझे इन सभी की वैल्यू पुट करनी है और इनकी वैल्यू पुट करने के लिए मैंने आपको दिया था एक शॉर्ट ट्रिक. तो पहले वो हम टेबल ड्रॉ करेंगे बाय यूजिंग शॉर्ट ट्रिक, देन वैल्यूज को पुट करेंगे. तो आपको पहले सिर्फ क्या लिखने हैं, एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाय 4 एंड देन सिंपली इनका अंडर रूट, राइट. सॉल्व कर दें. 0, 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2 कैंसिल होंगे, 1 अपॉन 2, 1 का अंडर रूट 1, 2 का अंडर रूट रूट 2, 3 का अंडर रूट रूट 3, 4 का अंडर रूट 2 कैंसिल, 1 का अंडर रूट 1. ये आपके साइन की वैल्यूज हैं. कॉस की वैल्यूज के लिए इनका रेसिप्रोकल. सो कॉस थीटा बिकम 1, रूट 3 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन 2 0. एंड टेन थीटा के लिए डिवाइड करना है. 0 अपॉन 1 बिकम 0, 2 से 2 कैंसिल होगा, डिवाइड करने पे इट बिकम 1 अपॉन रूट 3, ये पूरा कैंसिल हो गया, इट बिकम 1, डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, अनडिफाइंड. थोड़ा सा फास्ट किया क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपके 8.2 के इंट्रोडक्शन में. वैल्यूज को पुट करेंगे. 1045 की वैल्यू होती है 1, आप देख सकते हो 1045. सो 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1. पहले आप राइट करेंगे इस 2 को ब्रैकेट में. 1045 की वैल्यू पुट करेंगे 1, बट ये tan स्क्वायर 45 है तो 1045 के वैल्यू का होगा स्क्वायर. एक और बात मैं आपको बताती हूँ, 10 स्क्वायर 45 का मतलब है 1045 का स्क्वायर. दैट मीन्स 1045 इंटू 1045. बच्चे कभी कभी इस चीज को कुछ ऐसे समझते हैं, 10 2 इंटू 45, जो बिल्कुल गलत है. 10 स्क्वायर 45 का मतलब है आपके 1045 की वैल्यू का स्क्वायर. प्लस अब मुझे कॉस 30 की वैल्यू राइट करनी है. आप टेबल से देख सकते हो कॉस 30 की वैल्यू रूट 3 बाई 2. कॉस 30 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू. साइन 60 की वैल्यू भी रूट 3 बाई 2. जो कॉस 30 की वैल्यू होती है वो साइन 60 की वैल्यू होती है. आप टेबल से चेक कर लो, साइन 60 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर. यही टर्म स्क्वायर में प्लस में है, यही टर्म स्क्वायर में माइनस में है, तो हम सॉल्व ही क्यों करेंगे. जब दिख रहा है एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव, कैंसिल कर दो. सो इट बिकम 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1. सो 2 इंटू 1 बिकम 2. आगे आपके क्वेश्चन का आंसर. तो अगर आपको ये टेबल लर्न है तो आपके क्वेश्चन बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएंगे.